बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रिसर्च ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म एंड कंकर को हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कंकरिंग क्या होती है, डिवाइड एंड कंकर के अंदर हम कंकरिंग को तो देख चुके हैं, ट्रांसफॉर्मिंग को हम आज पहली दफ़ा देखेंगे। ट्रांसफॉर्म होता क्या है? ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम टू अ सिंपल और मोर कन्वीनियंट इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंट सिंप्लीफिकेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हम करते क्यों हैं? ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करना, उसकी शक्ल को, प्रॉब्लम की शक्ल को चेंज करने का नाम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको हम सिंपल इंस्टांसेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। मीन्स हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक होती है। प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से हम उसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं जिसके अंदर से हम उसकी तमाम ऐसी चीज़ों को रिमूव करें जो प्रॉब्लमेटिक है, एंड देन एट देन हमारे पास कुछ चीज़ आती है, वो एज अ सोल्यूशन फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। सो हीप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवर ट्रांसफॉर्म एंड कंकरिंग। सो बाइनरी ट्री विद कीज असाइन टू इट्स नोड्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। द ट्री इज़ एसेंशियली कम्प्लीट, मीन्स ट्री की नोड्स जो हैं वो आपके पास कम्प्लीट होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल इट्स लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट लीफ लेवल, मीन लास्ट लेवल के अलावा आपके सारे लेवल जो हैं वो ऊपर वाले कम्प्लीट होने चाहिए। एंड द पेरेंटल डोमिनेंस रिक्वायर्ड, दैट इज़ द की एट ईच नोड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द कीज एट इट्स चिल्ड्रन, मीन पेरेंटल डोमिनेंस रिक्वायरमेंट। कि आपके पास जो हीपिंग के लिए, हीप सॉर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द लीफ नोड, मीन या चाइल्ड नोड। सो आपकी जो हमेशा रूट नोड होगी या पेरेंट नोड होगी वो ग्रेटर होगी आपके लीफ नोड से। सो ये दो रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी हीप के अंदर। अगेन हाइट ऑफ नोड क्या होती है जी? हैश ऑफ एजेस ऑन लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ फ्रॉम नोड डाउन टू द लीफ। हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अपने रूट से डाउन टूवर्ड्स लीफ जो है वो हम हाइट निकाल सकते हैं। अ हीप कैन बी स्टोर्ड एज एन एरे। ओके जी। कंप्यूटेशन इज फास्ट विद बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बाइनरी के अंदर हमारे पास कंपैरिजन करना, कंबाइन करना आसान होता है। सो मैक्सिमम हीप प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल नोड्स आई एक्सक्लूडिंग द रूट, एंड मिनिमम क्या है जी? फॉर ऑल नोड्स आई एक्सक्लूडिंग द रूट। सो सेम प्रॉपर्टी है, बट मिनिमम के अंदर हमारे पास लेस देन ए ऑफ आई की तरफ हम चले जाते हैं कि पेरेंट जो नोड है वो लेस देन ए ऑफ आई हो, एंड मैक्सिमम हीप के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन ए ऑफ आई की पेरेंट नोड के आ रहा होता है। सो दिस इज़ ओवर ट्री। हमारे पास एक गिवन ट्री था और इसके अंदर हमने जस्ट सिंपली एक, ये हमारे पास मैक्सिमम हीप सॉर्ट की चीज़ को कंप्लीट कर रहा है कि पेरेंट नोड हमारा जो है, पेरेंट नोड बड़ा है जितनी भी लीफ नोड आ रही हैं, आइधर वो लेफ्ट साइड पर थी और आइधर राइट साइड पर थी। हमारे पास पेरेंट नोड उससे चाइल्ड नोड से बड़ी है। फिर हम लेफ्ट साइड पर जब मूव किए तो अगेन 14 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स चाइल्ड, आइधर इट्स लेफ्ट चाइल्ड और आइधर फ्रॉम राइट चाइल्ड। सो अगेन वी मूव ऑन टू द 10, एंड व्हेन वी एनालाइज द 10, द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ 10 इज आल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स चाइल्ड नोड। सो यही हमें हीप की प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि हमारे पास तमाम लेवल्स एक तो कंप्लीट हों एक्सेप्ट लास्ट लेवल। जैसे लास्ट लेवल के ऊपर इसका चाइल्ड कंप्लीट नहीं है, सो ये इशू नहीं है, बाकी लेवल्स के चाइल्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। देन हमारे पास कहा गया था कि पेरेंट नोड जो है, पेरेंट नोड जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए अपने अपने चाइल्ड नोड से। सो दोनों प्रॉपर्टीज मीट कर रही हैं। मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी, मैक्सिमम हीपिफाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिपुलेटिंग मैक्सिमम हीप्स। इट इज़ यू टू मेंटेन द मैक्सिमम हीप प्रॉपर्टी बिफोर हीपिफाई। ए आई मे बी स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन,
exactly, and assume left and right subtrees of I are maximum heaps after maximum heapify subtree rooted at I is the max heap. So this is the algorithm of heap property. We can move on to the example. So we consider this heap example. In this example, the root node is greater than the parent node is greater than from all the childs, but the problem is the left side. On the left side, the 4 is smaller than 14. It means parent node is smaller as compared to child node, so it is not following the property of heap. So what we have to do for it, we just have to swap the position of these two values. So just exchange the values. We exchange the value of 14 on this place and move on 4 to this place. So let's see that we just swap the two values. So now this is okay, and this level is completely fulfilled the requirement of heap. So on the next step, again there is a problem. The parent node is smaller as compared to the child node, so there is a problem, and then we again have to swap these two values for fulfilling our requirement of heap. So again we just exchange the value of two nodes. So we see that all the nodes that we need two basically requirements, now they are fulfilling the complete requirement of our heap. So now it is this tree is following the heap properties. So the time complexity of heap is big O log of n. Analysis ko check kiya jaye instead of books formal analysis with recurrence, just come up with big O log n. Initially heap is almost complete binary tree, hence must process big O log n levels with constant work at each level. Okay, comparing three items and maybe swapping only two. So this is कि हम कंपेयर तो कर रहे होते हैं बट स्वैप किसी दो का ही करवा रहे होते हैं. यहाँ पर हम देखें, सो एट का यहाँ तीन वैल्यूज़ हमारे पास हमारे पास तीन वैल्यूज़ यहाँ पर कंपेयर हो रही थी, बट हमारे पास स्वैपिंग किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान हुआ. सो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि कंपेयरिंग थ्री आइटम्स एंड मे बी स्वैपिंग टू. सो एग्जैक्टली हमारे पास ऐसे ही काम होता है. बिल्डिंग द हीप, दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम और सुडो कोड. हमारे पास ये अगेन एग्जाम्पल आ जाती है जी. ये हमारे पास एरे गिवन थी, एरे से हमने ट्री बना लिया खुद से, क्योंकि एरे के अंदर जैसे जैसे एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं हम वैसे वैसे जो है अपने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. सो पहला एलिमेंट उसको एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम रूट बना देते हैं, देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू वो उसका चाइल्ड, देन उसका अपने पेरेंट का चाइल्ड, एंड इसी तरह टू वन करते हम चाइल्ड को पूरा करते जाते हैं लेवल वाइज. अगर 7 से आगे भी वैल्यूज होती तो हमने नेक्स्ट के चाइल्ड बना देते थे. सो अगेन हमें देखना ये है कि हमारे जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड या रूट नोड है वो छोटी तो नहीं बाकी लीफ नोड या चाइल्ड नोड से. सो अगेन प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास तो बड़ी वैल्यूज़ पड़ी थी चाइल्ड नोड में, जबकि हमारा पेरेंट नोड जो है वो छोटा था. सो अगेन हम करेंगे क्या, स्वैपिंग करते करते हम यहाँ तक चले जाएंगे कि हमारा रूट नोड जो है वो बड़ा हो जाए एज कम्पेयर टू देयर चाइल्ड नोड. सो दिस इज बेसिकली बिल्डिंग अ हीप. So that's all from today's lecture. Hope so you understand. Thank you for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.